जिलाध्यक्ष है राजस्थान के, वो नूतन भाई लाहारी से संपर्क कर ले, जहाँ पे भी हो पंडाल में कहीं पे भी उपस्थित हो आप मंच के पास में आके नूतन भाई से मिल रहे। चौरासी क्षेत्र के टाटियावावा भील मैदान में उपस्थित भारत आदिवासी पार्टी के घोषणा कार्यक्रम में उपस्थित भील प्रदेश के तमाम आदिवासी भाइयों बहनों का मैं जोहार करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मंदारे जगदीश भाई पांडोर की श्रद्धांजलि में दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो कुछ इस तरह मेरी पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो कुछ इस तरह मेरी पहचान लिख देना, मेरे मस्तक पर मेरे लहू से पाप लिख देना, मेरे मस्तक पर मेरे लहू से पाप लिख देना। जहां कहीं भी मन्नारे जगदीश भाई की आत्मा मौजूद है हम नमन करते हैं उस आत्मा को, जिस आत्मा ने अपनी शहादत दे करके आज भारत आदिवासी पार्टी के रूप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन भारत देश के सीने पर खड़ा कर दिया है, जो सारे भारत के आदिवासियों के लहू और सारे भारत के आदिवासियों के खून और पसीने की कीमत इस देश पर जो कमीने लोग राज कर रहे हैं उनसे मांगेगा। इसके लिए भारत आदिवासी पार्टी का यह गठन किया गया है। मैं इस मंच से आगाज करना चाहता हूं भारत आदिवासी पार्टी के लिए, जागो आदिवासियों, उठो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि पूरे देश की हर गली में, हर गांव में, हर कुचे में, हर मोहल्ले में और हर शहर में एक ही नाम गूंजे, पाप आ गया, पाप आ गया, पाप आ गया। आपको भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करके मणिपुर में हमारी महिलाओं को नंगा घुमाया गया है, मणिपुर में हमारी बहनों को गोली मारी गई है, उस लहू का हिसाब मांगना है। उस 56 इंच के सीने वाला जो व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है उसकी आंखों में आंखें डाल करके पूछना है कि जब आदिवासी की बहन बेटियों की हत्या की जा रही थी, जब उनका बलात्कार किया जा रहा था, जब उनका नजर करके घुमाया जा रहा था, तो उस समय तेरा 56 इंच का सीना सिकुड़ करके 26 का क्यों हो गया था, ये पूछना चाहता है आदिवासी। लोकसभा में घुस करके 75 साल हो गए, इन कमीनों को वोट देते देते 75 साल हो गए, इनकी गुलामी सहन करते करते 75 साल हो गए, इन लोगों की पीड़ा सहन करते करते और 75 वर्ष तक आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर लोकसभा और किसी भी विधानसभा में एक शब्द नहीं बोला गया। इसलिए इस देश के आदिवासियों ने मिलकर के भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया है और भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत करके हमारे आदिवासियों को, हमारी आदिवासी बहनों को ये बताना है कि आदिवासी इस भारत देश का मालिक ही नहीं, आदिवासी इस भारत देश का बाप है।
और बाप की क्या ताकत होती है, क्या शक्ति होती है, ये हमें बताना है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू करवाना है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। हमें गोविंद गुरु के सपने को पूरा करना है कि दिल्ली में हमारी गादी है, अहमदाबाद में हमारी कलम है, कम्बई में हमारा दीवो है, पूरा देश आदिवासी का है। इसके लिए मानगढ़ पे 1500 आदिवासियों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, उन कुर्बानियों को साकार करने का, सार्थक करने का वक्त आ गया है। साथियों, एक हो जाओ, जग जाओ और इस भारत के माथे पर लिख दो जय जोहार का नारा है। भारत देश सिर्फ आदिवासी का है। सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब।